हेलो एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो यूनिट फर्स्ट है वो करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट ही बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार विश्वकर्मा है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्रीज, क्रिस्टल फिल थियरी, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और टेट्राहेड्रल बोथ के लिए होगा। उसके बाद उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म्स देखेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ, सॉरी स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल देखेंगे। तो यूनिट 1 जो है ये कम्प्लीट है, ये यूनिट 1 आपकी कम्प्लीट है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला कोऑर्डिनेशन नंबर इन ज्योमेट्रीज से। फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ज्योमेट्रीज। तो बात आती है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या और ज्योमेट्रीज है क्या। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोई किसी से, मतलब सपोज करो हम ये हैं और हम कितने लोगों से जुड़े हैं, इधर हम जितने लोगों से जुड़ते हैं ना उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल जो कि सेंटर में होता है और इधर होता है एक लाइगेंड। आगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो अगर ये जो लीगेंड है, ये लीगेंड मेटल से कितने जुड़े हैं इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हम ये कह सकते हैं एंकरिंग पॉइंट या फिर अटैचमेंट पॉइंट, ये दोनों कह सकते हैं कि कितने अटैचमेंट पॉइंट्स हैं मेटल के, तो उनको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इस सेंटर मेटल के साइड में दो जुड़े हैं, एक इधर एक इधर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा सा ये फोकस करना है कि अगर किसी का, किसी लिगेंड की लाइगेंसी 1 है, जुड़ने की क्षमता 1 है, तो वो एक साइड से जुड़ेगा, लिगेंड देखने में एक होगा। जैसे अगर हम लिखें CO(in)3, तो अगर ये लिखते हैं तो यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ तो ये नंबर देख के हमें पता चल रहा है कि ये कितना है, 3 है। अगर इसके जुड़ने की क्षमता 1 होगी तो 1 × 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कितनी क्षमता होती है, 2 बांड बनाता है, ये 2 साइड से जुड़ता है, तो 2 × 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो ये थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये देख के पता चल जाता है मॉलिक्यूल को, और आगे भी बढ़ेंगे तो काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री बेसिकली कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल शेप है, और इस शेप में जो लिगेंड्स हैं वो जैसे जैसे जुड़ते हैं, जिस ओरिएंटेशन पे जुड़ते हैं, तो एक डिफरेंट शेप बनता जाता है, उन्हीं शेप का हमने कुछ नाम दे दिया। जैसे अगर दो ही लोगों को जोड़ना है, इस मेटल से दो लिगेंड को जोड़ना है, तो हम रिपल्सन को फोकस करते हुए इनको 180 डिग्री पे जोड़ेंगे। तो 180 डिग्री एंगल पे जोड़ रहे हैं तो ये लीनियर सा दिख रहा है ना, लाइन की तरह, तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। अगर तीन को जोड़ना है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर हमारा मेटल है, एक इधर ऐसे जुड़ेंगे, 3 लिगेंड अगर जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 360 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो 120 120 एंगल सफिशियंट। ठीक है, तो ये दो ज्योमेट्री हमने यहाँ पे कर ली। अब आगे 1 बाय 1 हम और भी ज्योमेट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। आप इसके रिगार्डिंग मेरे ख्याल से क्लास 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या, जैसे कार्बन में CH4 आपने पढ़ते हो, तो बार बार हमने आपको पढ़ाया है कि CH4 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि हम 2D प्लेन पे 3D डायमेंशन 3D फिगर्स को कैसे बना सकते हैं, ऐसे तो हम बनाते थे वहां की, एक डैश बॉन्ड है, एक वेज बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स कौन से लेने हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले। तो COCl4 यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो सेम ज्योमेट्री, ये दोनों सेम है, बट ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, हम यहाँ बना रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डैश बॉन्ड। ये बिलो दी प्लेन होता है और ये वाला होता है वेज बॉन्ड। तो ये वेज बॉन्ड एब ऑफ दी प्लेन होता है।
तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो निकल के आता है 109 डिग्री 28 मिनट का। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कुछ नहीं है, जैसे आप स्क्वायर बनाते हो इस तरीके से, स्क्वायर इस स्क्वायर के सेंटर पे मेटल रख दो और चारों कॉर्नर पे आप लीगन रख दो, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है AZFO। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर 5 जुड़े हैं तब क्या होगा? देखो अगर 5 जुड़ते हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आती है, ये वैसे ही है जैसे आपने PCL5 की ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि मेटल सेंटर में है और तीन लिगेंड 120 120 पे ट्राइगन बना रहे हैं। ये 120 एंगल होगा, ये 120, एक वर्टिकली ऊपर होगा एक वर्टिकली नीचे होगा। अब यहाँ से इसको अगर हम जोड़ते हैं इस तरीके से इन सबको, तो ये पिरामिड सा बनता है। लेकिन पिरामिड कैसा बन रहा है? ऐसा पिरामिड बन रहा है जिसका बेस 3 है, ऐसा पिरामिड बन रहा है इस तरीके से। यहाँ सेंटर में ये 3, जैसे हमारे मंदिर के जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर मंदिर के ऊपर का हिस्सा देखें तो 4 बेस पे होते हैं, 4 बेस पे, और ऐसे ये चारों से एक ऊपर सा कोण बनता है। अगर 3 का बना दे तो उसे पिरामिडल कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है स्क्वायर पिरामिडल की। इसका एग्जाम्पल है IN Cl5 2-, IN Cl5 2-। अब देखो स्क्वायर पिरामिडल में क्या है, ये इसी तरीके का है कि यहाँ मेटल हो गया सेंटर पे, स्क्वायर बन रहा है और एक लिगेंड ऊपर है, तो ये कुछ नहीं है, ये मंदिर का जो टॉप होता है आपका वही है, और एक लिगेंड यहाँ होगा, 4 लिगेंड आपके यहाँ होंगे, तो टोटल 5 लिगेंड। नेक्स्ट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बात करते हैं। देखो जो अभी हमने मंदिर वाली बात की थी, तो ऐसे अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 लिगेंड रखते जाएं, ये स्क्वायर बन गया आपका, और 2 लिगेंड ऊपर और 2 लिगेंड नीचे, जैसे आपने ऊपर कोन बनाया था वैसे ही नीचे भी अगर आप कोन बना दो, तो इसे कहते हैं, इस ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल Fe2O6 2+। नाउ बात करते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इस फिगर को देख के आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब हम आपको बताते हैं 2 डायमेंशनल में कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आप सबने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म के सेंटर पे मेटल रख देते हैं और यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक, इसी तरह इधर भी 3 लिगेंड रख देंगे। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें, इस लिगेंड्स को ऐसे जोड़ दें, तब ये जो ज्योमेट्री बनेगी, मतलब कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री, एल 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 3 इधर जुड़े हैं और 3 इधर जुड़े। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 को एक साइड ले लो, एक 3 को एक साइड ले लो, ये ज्योमेट्री है WCS3 6 के। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में, 3 ज्योमेट्री पॉसिबल है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल एंड कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल की बात करते हैं। देखो ये मेटल है, मेटल से 72 एंगल पे 5 लिगेंड्स ऐसे लगाए, और 5 से बनेगा क्या, ये पेंटागन बनेगा, जैसे ये स्क्वायर बना था उसी तरीके से, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे। अब इसको सबसे अगर जोड़ दें, जैसे हमने स्क्वायर में कोण बनाया था उसी तरीके से, तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये जानो कि 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका MOF6-। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल है ZR F7-3-। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब जैसे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हम बनाते हैं, हमने रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में 4 का स्क्वायर लिया था और इस तरीके से लिगेंड ऊपर नीचे लगाए थे। देखो अब होता क्या है कि भाई एक फेस से जो ये फेस बन रहा है, ये जो फेस है यहाँ से एक लिगेंड लग जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी पूरी बॉडी है और हमने एक्स्ट्रा एक कैप लगा रखी है, तो एक लिगेंड कैप की तरह ऊपर से प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ अगर देखें तो ये 4 का ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 4 का स्क्वायर बनने के बाद ये एक ऊपर है और यहाँ पे एक ये नीचे है, सॉरी ये नीचे वाला तो है ही, एक कैप कोई और सा ले लो, इसे भी ले लो चाहे इसे किसी एक को कैप ले लो, तो यहाँ बेहतर आप समझ सकते हो कि एक कैप लगाना है अलग से।
नेक्स्ट बात करते हैं कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, इसमें भी क्या है, ट्राइगोनल प्रिज्म बनाओ, एक ये जो फेस है इस फेस से लिगेंड लगा दो, जैसे पूरा प्रिज्म था वैसे ही है, किसी एक फेस से लिगेंड लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो ये कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है Ta F7 2-। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि भाई एटलीस्ट आपको 6 तक तो ज्योमेट्री आनी ही आनी चाहिए, 7 आप भले ना करो लेकिन 6 तक तो करना ही है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन सॉरी क्रिस्टल फिल थियोरी की। तो क्रिस्टल फिल थियोरी में आपसे दो एस्पेक्ट में स्प्लिटिंग पूछी जाती है, और ये पूछी जाती है एक टेट्राहेड्रल एक स्क्वायर प्लेनर के एस्पेक्ट। लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसको इंट्रोड्यूस करिए, उसके एक साइलेंट फीचर्स लिखिए, फिर किसी एक को पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन है क्या इसका। तो थियरी वाज डेवलप बाय हैंस फेथे जॉन हैंस ब्रुक वान ब्रेक ब्लेक। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लेक और बेथे दो नाम याद रखना है कि ब्लेक एंड बेथे नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टल फिल थियरी को इंट्रोड्यूस किया था। क्रिस्टल फिल थियरी बेस किस पे है, CFT डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल डीजनरेशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अभी जब मैं आगे फिगर लेके डिस्कस करूंगा तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज डीजनरेशन एंड हाउ इट ब्रेक्स। नेक्स्ट, CFT का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करती है स्ट्रेंथ लिगेंड की क्वालिटी के बेसिस पे, मतलब लिगेंड को देख के आप पहचान सकते हो कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। नेक्स्ट, इट मे लीड टू द चेंजेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज कलर। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा रोल था कि अगर हम O2 की बात करें तो O2 के पास, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर हर एक ऑक्सीजन के पास। तो बैलेंस बॉन्ड जो थियरी थी उसने कहा कि भाई दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर O2 O2 में डबल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा, पेयर कर लेगा। और जैसे ही ये टेक्निकली पेयर हो जाते हैं एक दूसरे से, ये इससे पेयर ये इससे पेयर, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन ये होता कैसा है, ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही फेल कर जाती है। तो इन सब चीजों को जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसको बहुत अच्छे से क्रिस्टल फिल थ्योरी बता ले जाती है, इसीलिए ये थ्योरी सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस थ्योरी के साइलेंट फीचर्स है क्या, भाई जो थ्योरी है वो किस चीजों पर बेस्ड है। तो थ्योरी क्या कहता है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच इंट्रैक्शन पे बेस्ड है, और इनको ये पॉइंट चार्ज मानती है। जब कभी भी हम चार्ज अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मानेंगे तो यहाँ एक क्रिएट होगा डाइपोल, और इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कैसा होगा, प्योरली आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्डिंग कैन बी गिवन बाई द कूलम्स लॉ F=1/4πε0 Q1 Q2/r2। तो ये सारे फीचर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के लागू होते हैं यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जब हमारे पास चीजें पता हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इन सारे फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लिगेंड कैन बी आइदर निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। तो ये जो पॉइंट चार्ज मानने का इसका रूल मकसद क्या था कि मेटल हमेशा को इलेक्ट्रो पॉजिटिव मान के चल रहा है, तो लिगेंड क्या होगा भाई, निगेटिव चार्ज हो या इसके पास लोन पेयर है, एटलीस्ट ये लोन पेयर होगा तो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज ये क्या है, निगेटिवली चार्ज। लेकिन आज के डेट में पॉजिटिवली चार्ज भी रिपोर्टेड है, तो आपके लिए तो यही सही है, आप इतना ही लिखना, बाकी आप ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। देर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेटल आयन, और जैसे VBT बात करती है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन की, यहाँ पे तो CFT ऐसी कोई बात नहीं करती। ठीक है, तो दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ CFT। अब देखो CFT में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको डी ऑर्बिटल्स और उनके शेप पता है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम पूरे डी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेंगे और उनकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये टोटल 5 इन नंबर होते हैं, 3 हमने यहाँ पे बना रखे हैं, 2 यहाँ पे बना रखे हैं। देखो इस कलरफुल फिगर्स में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेहतर है आप यहाँ से देखो XY दो एक्सिस ले लेते हैं। तो पहला ऑर्बिटल होता है DXY, इन एक्सिस के बीच में क्योंकि फिगर जो दिया है वो 3 डायमेंशनल है तो थोड़ा सा इशू रहता है,
इस एक्सिस के बीच में अगर ऑर्बिटल लाई करते हैं तो ये ऑर्बिटल होगा डी एक्स वाई। सिमिलरली हमारे पास तीन एक्सिस पॉसिबल हैं, एक अगर एक्सिस जेड ले लें, एक्स ले लें, तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। और एक एक्सिस अगर हम ले लें वाई और जेड, तो इनके बीच जो ऑर्बिटल अगर लाई करेगा वो होगा डी वाई जेड। तो टोटल थ्री ऑर्बिटल इस तरीके से हो सकते हैं जो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करें, और दो ऑर्बिटल ऐसे हो सकते हैं जो अलॉन्ग द एक्सिस लाई करें। तो टोटल थ्री ऑर्बिटल्स को तो हमने आपको बना के दिखा दिया हो, अब मैं इसे इरेज करके दो ऑर्बिटल्स को और बना देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग होता है, इस ऑर्बिटल को कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे एक्सिस एक्स और वाई होती है, और अब एक एक्सिस कौन सी बच गई आपके पास? जेड। तो जेड के अलॉन्ग एक बड़ा सा फंक्शन होता है ऐसे बड़ा सा, और दो रिड्यूस्ड फंक्शन होते हैं ऐसे छोटे से गोले बनाते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला देखो, ये गोला बना हुआ है और ये फंक्शन ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, तो ये होता है ऑर्बिटल हमारा डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से टोटल थ्री ऑर्बिटल हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलोंग द एक्सिस हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इन बिटवीन एक्सिस हैं और ये अलोंग द एक्सिस हैं। तो दो डिफ्रेंशिएशन आपको करके चलना है। अब देखो थियरी हमें कंटिन्यू करनी है, तो इस थियोरी को हम दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। एक पढ़ेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और दूसरा टेट्राहेड्रल के लिए। होता तो ये स्क्वायर प्लेनर के लिए भी है, अदर शेप्स के लिए भी है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है, ठीक है? तो बात करते हैं क्रिस्टल फिल थियोरी या क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। देखो सारी जो कहानी है ना वो कहानी है ऑर्बिटल्स की। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये मेटल है और यहाँ इनफाइनाइट पे डिस्टेंस पे लिगेंड है, तो जैसे जैसे ये लिगेंड मेटल्स के पास आना शुरू करते हैं, पूरा इसमें यही लिखा गया है कि होता क्या बेसिकली, जैसे जैसे आएंगे। तो अब ऑक्टाहेड्रल में एक डेफिनेट पैटर्न है, हमने अभी आपको शेप बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में इस शेप पे आएंगे। तो ये शेप अगर हम देखें तो इस शेप में देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जिससे इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस पे है, इनिशियली हम इसको प्लस प्लस ले लेते हैं और इसमें माइनस ले लेते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करें। तो जैसे जैसे ये अगर इनफाइनाइट पे होगा तब तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे एक पर्टिकुलर एल डिस्टेंस पे आएगा धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये लिगेंड आके अगर इस एल जगह पोजिशन पे लगे, इस एल पोजिशन पे लगे, इस पोजिशन पे लगे, इस पोजिशन पे, तभी तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो अगर ऐसी पोजिशन पे आके लगता है, अगर ऐसी पोजिशन पे आके लगता है, ये ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल हो गई, हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में फिर से ड्रा करते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो जो कुछ था, एक बन रहा था आपका मेटल के साथ स्क्वायर, स्क्वायर में भी सारे कहाँ हैं? 90 90 पे हैं। तो मतलब हमारी जो एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, ये एक्सिस भी कहाँ होती है? 90 90 एंगल पे होती है ना। तो ये 90 एंगल पे है, ये 90 एंगल पे, ये 90 एंगल पे। तो होगा क्या कि जो एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल थे, अगर इसका हम नेगेटिव एक्स एक्सिस ले, एक्सिस के लॉन्ग ये वाला, दूसरा एक्सिस के लॉन्ग हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था माइनस का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल। तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं डी जेड स्क्वायर, ये क्या करेंगे भाई? इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लिगेंड आ रहा है इसके पास माइनस चार्ज है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से रिपेल होंगे, क्या होंगे? रिपेल होंगे, और जब रिपेल होंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? जो अट्रैक्ट होते हैं उनकी एनर्जी कम रहती है, जो रिपेल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसी चीज से होगा क्या कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएंगे। देखते हैं आगे फिगर्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सेम यहाँ पे हमने इसी चीज को डिस्कस किया है कि यहाँ से मेटल के पास n प्लस चार्ज है,
और इनफाइनाइट पे लिगेंड है। तो मान लो कि यहाँ पे इनफाइनाइट पे लिगेंड है, जैसे धीरे 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 एल डिस्टेंस पे पास आए, तो क्या होगा कि ये रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो ये हाई एनर्जी में, ये एनर्जी का आर्डर लिखा हुआ है तो ये हाई एनर्जी में चले जाएंगे। फाइनली ये पांच आर्बिटल हैं, ये पांच जो पट्टियां लिखे हैं ये पांचों आर्बिटल्स को डिनोट करो। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे और ये पास आएंगे, मेटल और लिगेंड इतने पास अगर आ जाए, ये तो अभी भी मान लो कि दूर की कंडीशन है, ये डैश 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 लिखा देता हूँ इतना दूर। तो अगर जैसे ही पास आएंगे, अब होगा क्या कि ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक जो रिपल्सन फील करेंगे वो हाइयर एनर्जी में चले जाएंगे, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे, और इस सेंटर को कहते हैं वेरी सेंटर। तो इस सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एक लोअर एनर्जी में आ जाएगा और एक हाइयर एनर्जी में। तो सिंपल सी बात है, जहां पर रिपल्सन होगा वो हाइयर एनर्जी में चले जाएंगे, जहां पर रिपल्सन नहीं होगा, नो रिपल्सन, वहां पे क्या होगा, लोअर एनर्जी में चले जाएंगे। तो टोटल थ्री ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, इनको कहते हैं टी टू जी ऑर्बिटल। जी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमारा सिमेट्रिक होता है, और इसे कहते हैं ई जी ऑर्बिटल। इन दो के सेट को हम क्या कहते हैं, ई जी ऑर्बिटल, और इनको कहते हैं टी टू जी। ठीक है, अब देखो डीजनरेसी की बात जैसे हमने पहले की, तो हम डीजनरेसी भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर ये पांच ऑर्बिटल्स एक साथ होते हैं तो इसी को कहा जाता है डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब हो गया कि इनका जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सारे फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फंक्शन डिफरेंट, एनर्जी सेम, तो डी जनरेट स्टेट के लिए। लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप ये जानो कि इसे को स्प्लिट कर दूँ, फिर आपको जब भी कहेगा वो फिगर बना के एक्सप्लेन करने को करूँ, इस फिगर को तो एकदम याद कर लेंगे। अब ये जो इस सेंटर से नीचे जाता है वो टोटल कितने एनर्जी में नीचे जाता है, तो ये होता है भाई माइनस का 0.4। ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं तो डेल ओ नॉट बोल देंगे, और ऊपर जो जाता है ये प्लस का 0.6 डेल ओ नॉट, ये वैल्यू स्प्लिट करता है। थोड़ा सा मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमने ये वेरी सेंटर के पॉइंट को इरेज कर दिया। तो ये हो गया आपका, इतना ऊपर जाता है ये नीचे, जिस कंप्लीट फिगर को दो तीन बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये 200% आता ही आता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये टोटल स्प्लिटिंग है डी आर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भाई इनसे हमें पता क्या चलता है और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत मायने में बहुत सारी चीजों को बता देती है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और भी जो कलर की प्रॉपर्टी है, सब कुछ बता देती है, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें कि स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट लेवल इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या था, मतलब ये था कि जो डीजनरेट एनर्जी लेवल था उस वो स्प्लिट हो गए, किसकी वजह से, लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, इसीलिए इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने की वजह से हमें दो एनर्जी लेवल मिले, टी टू जी एंड ई जी एनर्जी लेवल मिले, और जो उनके बीच का गैप था वो पूरा डेलो नॉट था। अगर हम अगर डिफरेंस निकालें, तब निकाल सकते हैं प्लस का 0.4 माइनस का माइनस का, अब यहाँ माइनस करेंगे तो फिर से माइनस लगा देंगे, तो यहाँ फिर से माइनस लगा दो, -0.4, तो ये टोटल जो डिफरेंस आता है ये आता है 1 डेल ओ नॉट का, और 1 डेल ओ नॉट इक्वल होता है 10 dQ के। तो dQ आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो 1 डेल ओ नॉट टोटल डिफरेंस होता है, मतलब जितना ऊपर गए एक प्लस में जाता है एक नीचे माइनस में, तो वो टोटल स्प्लिटिंग 1 डेल ओ नॉट की थी। डेल ओ नॉट को हम बोलते क्या है, डेल ओ नॉट को हम बेसिकली बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, और ये CFSE कैलकुलेट करने का हमारे पास वेल डिफाइंड फार्मूला होता है। कैलकुलेशन ऑफ CFSE की अगर बात करें तो हमें कुछ नहीं करना है कि भाई जो हमारे जो ऑर्बिटल थे टी टू जी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एन से मल्टीप्लाई कर दो, चलो हम इसके लिए पी ले लेते हैं, और जो इसकी वैल्यू है वो रख लेंगे, ठीक है, और इसमें साथ में डेल ओ नॉट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये फार्मूला अगर हम टोटल बनाएं तो
ये हो जाएगा पी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, ये हो जाएगा पी को ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो इसे इरेज करके मैं फिर से वो कर देता हूँ क्लियर। देखो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। -0.4 डेल ओ नॉट इंटू पी +0.6 डेल ओ नॉट इंटू क्यू। और पी और क्यू जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये है T2g ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और ये क्यू है जो है EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। प्लस का इसमें हम जोड़ते हैं एन और पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी होता है पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि पेयर कराना है कि नहीं कराना, तो उसी बेसिस पे। तो टोटल आपका जो CFSC का फार्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो पी को लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ये पी नहीं लिखा, तो ये हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू, तो इस तरीके से ये भी वैलिड हो गया। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की स्प्लिटिंग के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब होता क्या है कि जब हम मेटल के पास लिगेंड लेके आते हैं, तो ये लिगेंड पे निगेटिव चार्ज है या कितना निगेटिव चार्ज है, कितना अच्छा, क्योंकि प्लस माइनस है दोनों, तो अट्रैक्शन होगा। तो अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ये डी आर्बिटल की जो स्प्लिटिंग थी उतना ही कम ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे बात करें कि यहाँ 5 ये डी आर्बिटल थे, और यहाँ पे देखो स्प्लिट कितना हो, ज्यादा स्प्लिट हो, ये भी 5 आर्बिटल का स्प्लिटिंग यहाँ दिया है और यहाँ स्प्लिटिंग कम है। तो कहने का मतलब कि अगर लिगेंड पे चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन देगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। बात समझ में? तो ज्यादा चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन, तो जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो डी आर्बिटल की स्प्लिटिंग भी ये ज्यादा होगी, और इसमें कम है तो स्प्लिटिंग कम हो गई। अब सपोज कर लो कि जब स्प्लिटिंग ज्यादा है और हमें मान लो 6 इलेक्ट्रॉन D6 के लिए देख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हम क्या करेंगे कि भाई आपने जो पहले पढ़ा है होम्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाफ बाउ प्रिंसिपल, इन सारे प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो जब सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये एनर्जी कैप ज्यादा है तो हम ऊपर नहीं जा सकते, फोर्थ फिफ्थ सिक्स छह वो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। लेकिन वही अगर एनर्जी कैप कम है तब क्या करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 3, तो उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, फिफ्थ यहाँ फिल करेंगे, और सिक्स फिर फाइनली है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पे हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मीट करते हैं। मान लीजिए देखो जो स्प्लिटिंग था, ये स्प्लिटिंग भी डिफाइन करती है कि भाई हमारी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू के बेसिस पे अगर डेल ओ नॉट की वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो पेयरिंग एनर्जी जल्दी अचीव कर ली जाएगी, और जल्दी अचीव कर ली जाने का मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। लेकिन सपोज करो कि पेयरिंग एनर्जी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, हाई है डेल ओ नॉट से, जब डेल ओ नॉट से हाई होगी तो क्या होगा कि भाई पेयरिंग नहीं हो पाएगी, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हो कि डेल ओ नॉट की वैल्यू है पेयरिंग एनर्जी से कम है या ज्यादा है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझने का कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है इनको फिल कैसे करते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो D4 का है। D4 के केस में अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया।
अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो ऊपर नहीं जा सकते, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी दो, केवल ये और ये। लेकिन अगर देखें कि D4 हाई स्पिन में, तो अगर ये एनर्जी गैप कम है तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन फिल किया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा इनकी वैल्यू। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम आगे मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको दो एग्जांपल्स लेके आपको करा रहा हूँ, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा ही जाता है, एटलीस्ट एक MCQs तो होता ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये चार लिगेंड जो होते हैं, ये मेटल है, मेटल से चार लिगेंड आके जुड़ेंगे, और टेट्राहेड्रल का शेप हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के शेप के हिसाब से जब आते हैं चार लिगेंड, तो अब देखो कि ये मेटल है, एक लिगेंड और दूसरा लिगेंड कितने एंगल पे आता है, हमने एंगल भी बताया था। तो एंगल है 109 डिग्री, और जो हमारे एक्सिस के बीच एंगल होता है वो 90 डिग्री। तो अब मतलब एक्सिस के अलॉन्ग वाले तो नहीं आ सकते, क्योंकि 90 पे कोई एंगल है ही नहीं इसमें, तो 90 से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब इन बिटवीन एक्सिस वाले यहाँ पे रिपल्सन फील करेंगे, क्योंकि जब ये लिगेंड बाइंड करेगा तो कौन रिपल्सन फील करेगा, इन बिटवीन जो एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन दी एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में है। और जो एक्सिस के बीच में है वो कौन कौन से ऑर्बिटल थे, हमारे तीन ऑर्बिटल्स थे, ये था DXY, DYZ और DZX। और यहाँ पे हमारे कौन से दो ऑर्बिटल बचेंगे भाई, DX² -Y² और DZ², ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है ये माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, हमेशा ध्यान रखना है ये बैरी सेंटर से जो भी वैल्यू लेंगे माइनस में लेंगे। DQ में लिखा है तो इसको ΔT में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.6 ΔT, और इधर ऊपर का हो जाएगा प्लस का 0.4 ΔT, ये वैल्यू हो जाएगी। ऊपर का प्लस लेंगे, नीचे का हमेशा माइनस लेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली हम इसका भी फार्मूला बना देंगे कि भाई नीचे जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, और ऊपर वाले में प्लस की वैल्यू 0.4 ΔT। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सारे के सारे हमेशा हाई स्पिन बनता है, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं है, और इसमें प्लस NP करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो ये इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो बहुत ईजी, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो यहाँ पे हम T2G नहीं लिख रहे हैं, ये G नहीं लिखना है, EG भी नहीं लिखना है। तो ये जो ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट होंगे, मैं इरेज करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे E लिखा है और ऊपर लिखा है T2, तो G सबस्क्रिप्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम दीज ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन हम यहाँ पे बस एक ही फैक्टर की बात करेंगे, और वो भी बात करेंगे हम ज्योमेट्री की। तो केवल केवल हम एक ही फैक्टर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री, क्योंकि इससे पिछले साल में क्वेश्चन पूछा था, उसने डायरेक्ट ही पूछा था कि राइट आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ΔT एंड ΔO। तो ये याद रखेंगे कि ये होता है 4/9, 4/9 ऐसा इसलिए होता है कि जो 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2/3, क्योंकि 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल के रेशियो में घटता बढ़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 4/9 आता है, तो ये इसका रिलेशन है। वैसे भी आप डायरेक्ट याद रखो। और एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर होती है ये इक्वल टू 1.74 ΔO₀ के। तो यहाँ से अगर हम एक रिलेशन अगर बात करें, रिलेशन तो ये हो जाएगा कि टेट्राहेड्रल की वैल्यू कम होती है, ये कितनी आएगी, करीब करीब वैल्यू 40/9, तो ये आ जाएगी 0.4 या 4.5 के आसपास, ठीक है। तो ΔT की वैल्यू सबसे कम होती है, इससे ज्यादा होती है ΔO₀ की, और सबसे ज्यादा होती है ΔSquared Planar की। तो एक ये रिलेशन याद रखेंगे, दूसरा ये रिलेशन याद रखेंगे। यहाँ दिखाया भी है कि देखो
ये जो इसकी जो एनर्जी है ये दोनों लाइनें कम है, इसकी जो एनर्जी है ये दोनों लाइनों में गैप ज्यादा है, और उसकी जो एनर्जी है इसमें बहुत गैप था, तो ये गैप बहुत ज्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है। तो इस फिगर से भी आप डिपिक्ट आउट कर सकते हो। बाकी हमने टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल सारी ज्योमेट्री डिस्कस कर रखी है, तो ये ज्योमेट्री उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसमें आपको फोकस रखना है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑप्टिकल और मैग्नेटिक दो प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे इसमें से ही हम कलर का भी समझ लेते हैं। देखो, अगर जो हमारे पास व्हाइट लाइट होती है, उस व्हाइट लाइट में बेसिकली सेवन कलर होते हैं, सेवन कलर होते हैं। ये सेवन कलर यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब ये सेवन कलर अगर ब्लैक, या जिसे आप कहते हो ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी पे या पूरे ब्लैक आइटम का तो सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर व्हाइट सरफेस पे फॉल कराओ तो सारे को देखो इमिट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया ना, सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरा है जिसका कलर येलो है, देखो तो ये क्या करेगा कि इस येलो वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को इमिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाने का प्रयास किया गया कि ये येलो है, इस येलो को देखो यहाँ पे दिखाया गया कि ये रिफ्लेक्टेड हो रही है ना। अच्छा, ऐसा इसलिए दिखाया गया कि भाई ये हमें दिखता कलर कौन सा, येलो दिखता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी येलो कलर है, और आप कहोगे कि सर यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलो कि जिसका जो कलर है वो क्या करेगा, उस कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इस सेवन कलर में से जो कलर मिक्सअप होके जो आएगा, मिक्सअप होके जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वही हमको विजिबल होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिया गया, जैसे अगर हम ये बात करें कि अगर कोई 620 नैनोमीटर पे कंपाउंड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर क्या होगा, तो ये होगा ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश ग्रीन, इसका कलर होगा ब्लूइश ग्रीन। तो कंप्लीमेंट्री कलर अगर हम बात करें, ये है ओस्टवाल्ड व्हील, ये जो बना है ओस्टवाल्ड व्हील है, और इस व्हील की मदद से हम ये कंप्लीमेंट्री कलर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो सपोज करो अगर यहाँ येल्लो में ऑब्जर्व कर रहा है तो कौन सा होगा कलर, ब्लू कलर होगा। तो इस तरीके से आप व्हील देख के बता सकते हैं। तो कलर्स के करिस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ की वैल्यू लिखी हुई है, और वेवलेंथ है नैनोमीटर में, तो करिस्पॉन्डिंग आप इसको देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया कि देखो एक व्हाइट लाइट डाली गई, इसमें से रेड कंपोनेंट को अगर ऑब्जर्व कर लिया, तो रेड कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेगा तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, आपको ब्लू दिखेगा, ब्लू अपियरिंग लाइट, क्योंकि इन सारे कलर्स में ब्लू इन पे डोमिनेट कर जाएगी, तो इनका कंप्लीमेंट्री कलर जो होगा वो ब्लू लाइट की तरह दिखेगी, ठीक है। तो ये इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, वो भी लाइट ब्लू ही रहेगा क्योंकि इनके मिक्सअप से लाइट ब्लू आएगा, तो प्योर ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका कलर क्या होगा। नेक्स्ट, इसमें कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर कोई वेवलेंथ हमने दे दी, तो उस वेवलेंथ के बेसिस पे है आप इस की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो इसमें समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में है, और जब इस पे एच न्यू लाइट डाली जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी स्टेट क्या था, Eg ऑर्बिटल था, तो ये एक्साइट हो गए। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, ये हम किससे निकाल रहे थे, CFSC से, ये एनर्जी तो हमें मिल जा रही थी। तो इसी एनर्जी को कहा कि इस एनर्जी को दिस डेल्टा ई शुड बी इक्वेट इक्वल टू द फार्मूला ई इक्वल टू एच न्यू या ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और अगर हमें ये डेल्टा ई पता चल गया तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सी भी निकाल, न्यू निकाल सकते हैं, न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या है वो भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴,
जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक और फार्मूला होता है एच सी न्यू बार, इसे कहते हैं वेव नंबर। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना टिपिकल क्वेश्चंस वो देते नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको डेल्टा ई एनर्जी की वैल्यू दे दिया जूल में, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एच बी कॉन्स्टेंट है, एक इक्वेशन एक अननोन इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर पूछी जा रही हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने पहले ही देखा था कि CFSC जो है हमारा क्लियर कट बता पाती है कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि तो O2 का केस देखे थे, O2 के केस में हमने देखा कि O डबल बॉन्ड O बनाता है और सारे पेयरिंग हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में VBT के बेसिस पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन CFT या फिर MOT थियरी बताती है कि नहीं, ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताते हैं। तो इससे हम कर सकते हैं कैलकुलेट, और इसका डायरेक्ट फार्मूला है म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+n+2। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। इसका भी एक ट्रिक है कि अगर n की वैल्यू 1 आती है, तो जो म्यू की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 1.73 के आसपास आएगी, 2 आती है तो 2.8 के आसपास आएगी, 3 आती है तो 3.82 के आसपास, या 4 के आसपास आएगी, 4 आती है तो 4.9 के आसपास आएगी, 5 आती है तो 5.94 के आसपास आएगी। तो ये वैल्यूज आप ऐसे ही निकाल के रख सकते हो, या फिर पहचान सकते हो कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतनी है, 2 इंटीजर की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। इंटीजर की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट आता कहाँ से। तो देखो, आपको पता है कि अगर कोई चार्ज चार्ज अगर स्टैटिक है, तो केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में करंट भी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज मूविंग है, चार्ज अगर मूविंग होता है, तो ये करंट भी प्रोड्यूस करता है प्लस का मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये घूम रहे हैं, ये तो मूविंग हुए, और सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे तो हर एक वेक्टर क्या होता है भाई, इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ परपेंडिकुलर होती तो चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट, ये मैग्नेटिक करेक्टर आता है। ये किसकी वजह से था, ये स्पिन मोशन की वजह से था, तो इसे कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आपसे पूछा जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस का जो फार्मूला होता है ये होता है n n+2। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें थोड़ा सा हम और देख सकते हैं कि भाई डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की जाती है, ये क्या होते हैं। चलो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ उसमें। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक, अब देखो डाया मैग डाया वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, डाया का मतलब होता है दो, और दो होंगे तो एक साथ पेयर में होंगे, तो सारे पेयर हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। दूसरा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ है 1 2 3 4 कुछ भी है, तो ये सब्सटेंसेस होते हैं पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ से भी दूसरा, जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, एंटी फेरो मैग्नेट
देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स बनाते हैं, और सारे मैग्नेटिक डोमेन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो ये होगा फेरोमैग्नेटिक। अगर कुछ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो ये होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। और कुछ मतलब ज्यादातर अपोजिट डायरेक्शन में हो, कुछ अपोजिट में हो, तो इसे कहते हैं हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये दीज आर दी थ्री क्राइटेरिया इन विच पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। जो सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। ये आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या अंतर है, इसमें कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी होती है ये डिफरेंट होती है, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है ये कनेक्टिविटी यहाँ सॉरी यहाँ पे डिफरेंट होती है, और यहाँ पे से कट करके करेक्ट कर लो कि सेम होती है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। तो ओरिएंटेशन क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहला जो आइसोमर्स है वो है लिंकेज। लिंकेज में साफ साफ दिख रहा है कि जो लिंकिंग है ना, लिंकेज वर्ड क्या कह रहा है कि भाई जो लिंक है जुड़ाव जहाँ से है वो अलग। जैसे ये बात करें कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने एक लिगेंड लिया है NO2, NO2 के पास दो लिंकिंग साइट है। अगर ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करे जिस लोन पेयर से, तो एक कोऑर्डिनेशन साइट ये है, दूसरा एक कोऑर्डिनेशन साइट ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है ये भी दे सकता है, तो ये कोऑर्डिनेशन साइट है। यहाँ पे हमने दो दिखाया क्या, देखो यहाँ पे लिंकिंग ही बदल गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट है या नाइट्रोजन से। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन का मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना उसमें जो मेटल है वही चेंज हो जाएंगे। जैसे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ क्या है कोबाल्ट आ गया, यहाँ क्रोमियम, क्योंकि पहला होता है केटायन दूसरा होगा एनायन। तो केटायन एनायन में देखो दोनों में चेंज हो गए मेटल्स, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कैटेगरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिजम्स। ऐसे आइसोमर्स जिनको हम अगर आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज का मतलब पानी में घोल दो, भाई पानी में घोल दो या डिजोल्व कर लो, डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व इन वाटर। तो ये जो टूट के दो तरह के आयन्स देते हैं, जैसे अगर इसको घोलें तो ये तो टूट जाएगा, इसमें इसमें प्लस और माइनस में, तो यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा, एक मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन और ये मिलेगा ब्रोमीन का आयन। यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, ब्रोमीन अंदर चला गया तो ये कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ क्या मिलेगा सल्फेट आयन। तो अब देखो घोलने पे यहाँ सल्फेट आयन मिल रहा है, यहाँ ब्रोमीन आयन मिल रहा है, जबकि दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन आयन्स डिफरेंट दे रहा है, इसलिए उसको कहेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट की अगर हम बात करें, सॉल्वेट में क्या, सॉल्वेट या इसे हाइड्रेट कहते हैं, सॉल्वेट या हाइड्रेट, हाइड्रेट का ही मतलब हो गया कि हाइड्रा, हाइड्रा मतलब हो गया वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये बाहर या अंदर होगा, जैसे यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल के इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे 4 हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, यहाँ 3 हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, जबकि इन तीनों कॉम्प्लेक्स इसका इसका और इसका तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो सेम है। यहाँ पे जो वाटर है ये हाइड्रेट के रूप में आ गया, यहाँ भी हाइड्रेट है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल यहाँ 3 मॉलिक्यूल, तो दिस आर दी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट, तो वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रेट और सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले ही बता दूंगा कि भाई जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप है अलॉन्ग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विल बी डिफरेंट। तो अगर हम बात करें तो पहला जो आइसोमर्स होता है इसमें वो होता है जिमेट्रिकल आइसोमर, और जिमेट्रिकल आइसोमर्स भी दो तरीके के होते हैं, सिस एंड ट्रांस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ भी दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस में सिस जो होता है, अगर हम फिगर से बात करें तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं।
फिगर की मदद से। देखिए, अगर इस पीटी के साइड, ये दोनों ग्रुप जो सेम ग्रुप है, अगर सेम साइड होते हैं, सेम साइड है तो उसे सिस कहते हैं, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है या डिफरेंट साइड है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो देखो, वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डाइपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दी ओनली स्ट्रक्चर आइदर सिस या ट्रांस। सिस और ट्रांस के बेसिस पे है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से अगर इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नेटिटी पे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के केसेस में हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी तीन डिफरेंट लिगेंड ले लें, जैसे ये चारों डिफरेंट लिगेंड ले लिए, तो आपको कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इस केस में तीन आइसोमर्स पॉसिबल है। हम क्या करेंगे कि किसी एक को फिक्स कर लेंगे और बाकी तीनों को इंटरचेंज करेंगे। तो बाकी तीनों को इंटरचेंज करने से तीन और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसलिए टोटल थ्री आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आप चेंज करके देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के केस में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के केस में हमारे जो कॉम्प्लेक्स लिया है वो MX2L4 टाइप का लिया है। तो देखो, ये चारों लिगेंड आपके सेम है। अगर ये चारों लिगेंड सेम है, दो लिगेंड केवल दिया है, तो दो लिगेंड अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये ट्रांस होगा, और दोनों लिगेंड अगर सेम साइड आ गए, पास पास आ गए, तो ये हो गया सिस आइसोमर्स। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर तीन तीन लिगेंड है तो, और तीन से ज्यादा फिर चार दो करेंगे तो चार दो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तीन के केस में देखते हैं, तीन के केस में, हाँ एक और देख लेते हैं। चलो, अगर हमने बाईडेंटेट लिगेंड ले लिया, ये बाईडेंटेट ईन लिगेंड जो हमने क्लास के शुरुआत में ही बोला था, बताया था, तो उस बाईडेंटेट लिगेंड में भी क्या करेंगे, अगर ये दो सीएल एक साइड है तो सिस हो गया, और ये सीएल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस होगा। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फार्मूला होगा CO(In)2CL2। ये नहीं देखना है कि दो तो ये है, दो ये है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, ये गलत है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स है, मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ पहले ही इन के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर हमने तीन डिफरेंट लिगेंड ले लिए तब क्या होगा। तीन डिफरेंट अगर लिगेंड लेते हैं, तो अगर तीनों लिगेंड एक साथ आ गए, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है, ये एक साथ अगर आते हैं तो ये बनाते हैं एक फेस। अगर हम इसको जोड़ दें, देखो इस वाले पॉइंट को जोड़ दें, तो ये फेस बनाएंगे, ये जो रेड रेड किया गया है, रे फेस बनाएंगे, तो इसे कहते हैं फेसियल। शार्ट में FAC लिखते हैं। और अगर ये एक साथ नहीं है, बीच में NH3 लिगेंड आ गया, तो इसे कहते हैं मेरीडोनियल, यह है MER बर आइसोमर्स। तो इसमें दो ही आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है, सबसे पहले यही देखते हैं। देखो, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, बट जो रोटेशन ऑफ लाइट है, द रोटेशन ऑफ लाइट बाय द कंपाउंड इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी कंपाउंड पे, जैसे अगर हमारा ये सैंपल है, इस पे हमने लाइट डाला, तो इसके लिए हमें लाइट सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक और प्लेन पोलराइज लाइट लेनी होती है। प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट अगर इसको डालते हैं, तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये है आपका क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन में मोड़ देता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है तो हम इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो इसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, शॉर्ट में से L लिखते हैं, L या माइनस, और शॉर्ट में से D लिखते हैं प्लस। तो ये दो तरीके का नेचर कंपाउंड शो करता है टूवर्ड्स द लाइट। तो लाइट के रिस्पॉन्स में ये दो तरीके का, कैसे इसको चेक करते हैं, देखो हमारे पास जो भी सोर्स है यहाँ पे, इस सोर्स से निकलने वाली लाइट चारों डायरेक्शन में, देखो चारों डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर से पास करते हैं। अब ये पोलराइजिंग फिल्टर एक ही डायरेक्शन में लाइट को कर दे, अब ये हो गए प्लेन पोलराइज लाइट।
अब इसके बाद ट्यूब कंटेनिंग सैंपल, अब सैंपल पे हम क्या करते हैं, पास करते हैं। अब जो सैंपल पे पास करेंगे तो देखो लाइट को अपने मीन पोजीशन पे थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ये थीटा एंगल। अब ये थीटा एंगल क्या है भाई, ये थीटा एंगल इस तरीके से इधर आया है ना, अगर ये इधर आता तब तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, इधर आया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कैसा नेचर है, लीवो रोटेटरी नेचर है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कैसे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है, ये बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लीवो डेक्स्ट्रो तो हम मशीन से चेक कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम याद रखेंगे दो चीज़ों को, एक होता है इनेंसियोमर, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और एक होता है डायस्टेरियोमर्स, ये हो भी सकते हैं नहीं भी। तो इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, इनेंसियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो आपको यही चेक करना है, हमेशा मिरर इमेज बना के चेक करना है कि भाई ये इम्पोजिबल है कि नहीं, अगर इम्पोजिबल है तो इनेंसियोमर्स, अदरवाइज डायस्टेरियोमर्स। जैसे अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बीच में मिरर लगा दें, ये मिरर लगा दें, तो मिरर प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है, प्लेन मिरर की ये खासियत होती है कि जो पास होता है उसका पास इमेज बनता है, जो दूर है दूर। जैसे ये मिरर के पास है तो इमेज में भी देखो इधर ही आ गया, और ये, तो अब क्या करेंगे कि इस वाले इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्या ये सुपर इम्पोज करता है, नहीं। अब की बार जब यहाँ रखोगे तो सीएल यहाँ आ जाएगा, ये सीएल तो इधर आएगा, राइट साइड है, ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो जब नहीं करेगा तो हम इसको कहेंगे कि वन एंड टू क्या है, एक दूसरे के इनएनसीओमर है, ठीक है। तो वन और टू एक दूसरे के क्या है, इनएनसीओमर है। और यहाँ अगर थ्री की बात करें तो ये यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज कर दिया, इस नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी दूर वाले से कर दिया, यहाँ पे क्या है पास वाले, तो ये दोनों सेम ही नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे, तो इनएनसीओमर डायस्टेरियोमर की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस में, सिमिलरली। तो एक और मुझे लगता है कि इससे बेहतर एक और हमने स्लाइड लगा रखी है जिसमें हमने इमेज का भी यूज किया है, तो उस पे अब आते हैं, उसकी मदद से समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला यहाँ से एक और एग्जांपल कर लेंगे और ये बहुत हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांस वाला, ट्रांस के केस में अगर इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ट्रांस के केस में मिरर इमेज बनाओगे, यहाँ अगर मिरर लगा ले, मिरर लगा के मिरर इमेज बनाते हैं तो भी कैसा बनेगा भाई, कुछ इसी तरीके से बनेगा, ये फिर इधर होगा NH3 NH3 CL CL का यही बनेगा। तो ट्रांस के केस में जो भी मिरर इमेज बनता है ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर सिस हो जाए, यहाँ CL है यहाँ CL है, अब इसका इमेज बनाओगे तो एक सीएल यहाँ एक सीएल यहाँ बाकी NH3। अब इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि एक सीएल तो करेगा ये वाला, लेकिन ये वाला सीएल कहाँ आएगा, अब इसके जगह आएगा, ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनएनसीओमर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएनसीओमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को देखें तो पूरा पीरियोडिक टेबल टोटल चार ब्लॉक में डिवाइडेड है, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, इसे कहते हैं पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, और ये वाला जो होता है हमारा ये होता है डी ब्लॉक, और इसके सबसे नीचे जो होता है ये होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्टली क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। नीचे की ये जो पूरी सीरीज है पूरी रेडियो एक्टिव है, इधर जो होते हैं मेटल्स होते हैं। तो उसमें मैं फिर से इरेज करके कुछ और पैरामीटर्स को बता दूं, अगर बोरान को एस्टाटीन से ज्वाइन कर दें तो इसको जो डायगोनल पे ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं और ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेटलॉयड होते हैं, और इसके इधर जितने हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और इसके इधर जो होते हैं वो सारे होते हैं नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स होते हैं, उससे कम नॉन मेटल, और मेटलॉइड सबसे कम होते हैं। तो एक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का,
लेकिन अगर आप इस पीरियडिक टेबल को इस तरीके से लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी ये याद करेंगे सीरीज अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। अब शील्डिंग इफेक्ट है क्या? अगर हम बात करें कि देखो जो ये वर्ड है ना वो लिखा गया शील्ड, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे होता है प्लस चार्ज। इधर सेल्स में जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन में, तो प्लस माइनस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन इसके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। तो ये है रिपल्सन और ये क्या है? अट्रैक्शन। तो होता क्या है इस केस में कि ये इसको खींच रहा होता है, और जब ये खींचेगा तो ये रिपल्सन देके इसको शील्ड का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इसी की वजह से जो इस पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, जो कि इक्वल टू होना चाहिए था किसके? जेड के। ये जेड के इक्वल टू क्यों होना चाहिए? फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू। यहाँ पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कितना चार्ज है? जेड टाइम ऑफ ई प्लस सारे प्रोटॉन का। इसलिए लिखा गया जी, क्योंकि जेड इज द नंबर, डायरेक्टली एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया? जेड के। तो जेड इफेक्टिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई विच ए इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस बाई द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो जेड जो होगा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये रिपल्सन जो फोर्स है इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम शील्डिंग। ठीक है, यही है शील्डिंग इफेक्ट। इसी शील्डिंग इफेक्ट को या इसी शील्डिंग को हम माइनस कर देते हैं। भाई कितना रोक रहा है तो कितना इफेक्टिवली ये पुल कर पा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। और जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया आपका जेड एटॉमिक नंबर है, जिसका जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, जैसे सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी सोडियम के केस में? 11, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को मिलकर खींचेंगे, तो इसलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड के। तो टोटल इक्वेशन आ गई जेड एफ जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस का सिग्मा। तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। शील्डिंग इफेक्ट जैसे देखो कोई योद्धा होता है, तो अगर कोई उस पर मार करता है तो अपने उसे रोकने के लिए एक शील्ड लिया होता है और दूसरे हाथ में वो तलवार लिया होता है। इससे मार करेंगे, इसे रोकेंगे। ये जो न्यूक्लियस इसको खींच रहा था, ये इसको शील्ड का काम कर रहा है, इसे पूरी तरीके से खींचने नहीं दे रहा, इसलिए रोक रहा है। तो इसलिए इसका मतलब हो गया शील्ड या शील्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं स्लेटर रूल की। यहाँ पे देखो फिगर्स में हमने थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है भाई। एक्चुअली में होता क्या है कि ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा होता है, और जैसे ही ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा होता है, तो और सारे जो है ना ये शील्डिंग का काम करते हैं, सारे इनर इलेक्ट्रॉन करेंगे, मोस्टली इनर इलेक्ट्रॉन का, जो उस सेल में होते हैं उनका हम कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो किस मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें के किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अगर इसको खींचेंगे तो ये भी आ जाएगा इनर में, तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को जो सिग्मा है हम उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने एक रूल बनाया था कि भाई जो भी है आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, उसको आप क्या करोगे, ऑर्बिटल वाइज लिखोगे या ऑर्बिट वाइज लिखना है। पहले हम जैसे लिखते थे कि 1s2, 2s2, 2p, 6 3s2, 3p6, फिर आता था 4s2, फिर आता था 3d, 3d10 वगैरह। इन्होंने कहा ऐसे नहीं लिखना है, ये जो d3 का मेंबर है वो 3 के साथ लिखो। तो आपको क्या लिखना है? 1s2 3 एक साथ आएगा, फिर 4 एक साथ आएगा, फिर अगर 5 आएगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि भाई इसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं। इस टोटल रूल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए और बी।
एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग और डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए अलग। तो एफ तो पूछा ही नहीं जाता, डी देख लेते। इन्होंने कहा कि जो सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए वैल्यू रखेंगे हम शिल्डिंग की 0.35, उसके बाद उसके इनर आर्बिटल में जो होंगे उसके लिए 0.85, और उससे इनर आर्बिटल में जितने भी होंगे सबके लिए वैल्यू रखेंगे 1। तो दिस इज द रूल। अगेन डी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहा कि भाई शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू सेम ग्रुप के लिए तो रखेंगे 0.35, एंड द ऑल इलेक्ट्रॉन विद लोअर ग्रुप इज 1। तो ये दो रूल्स हैं, इन बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड तो हमें पता होता है, जैसे जेड जैसे ही सोडियम बोल दिया तो आपको पता होगा जब सोडियम के लिए जेड 11 आएगा, ठीक है। क्रोमियम बोल दिया जेड होगा 24, तो ये थोड़ा सा 30 एलिमेंट्स तक का आपको याद करके रखना है। लेकिन अब अगर सिग्मा निकल जाए तो जेड इफेक्टिव निकल जाएगा, तो सिग्मा कैसे निकालते हैं ये देखते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है जिसमें हमने दोनों तरह के एग्जाम्पल्स को सॉरी इसमें हमने दोनों तरह के एग्जाम्पल्स को कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है कि भाई दोनों एग्जाम्पल आप समझ लो, एन एस और एन पी के लिए हमने जेड इफेक्टिव की बात की है एटॉमिक नंबर 7 मतलब नाइट्रोजन के केस में। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें p3 में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया, अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन पी के बचे 2p के, और 2s के कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे क्योंकि इसमें भी तो पेयर था और 1s में एक पेयर था। तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p। तो अब इस ये जो होगा ये एक ही ऑर्बिट माना जाएगा ना, सेकेंड ऑर्बिट एन इक्वल्स टू सेकेंड में चल रहा है, इसलिए इसका 4 × 0.35 कर दिया। इसके बाद एन माइनस वन में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 8.85 कर दिया। इस दोनों को जोड़ दिए 3.1 आ गया, तो सिग्मा की वैल्यू पता चल गई। तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, तो 7 − 3.1 तो आ जाएगा 3.9। नेक्स्ट बात करते हैं एक कॉपर के लिए। कॉपर के केस में जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसको भी ऑर्बिट वाइज में लिखना है, 1s2 2s2 2p6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 2p6 3s2 3p6, तो टोटल यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d10 और 4s1 होता है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो केसेस, दो केसेस का मतलब ये कि अगर हम एस के लिए ले रहे हैं कि नहीं, अगर एस के लिए लेंगे तो ये वाला ऊपर वाला रूल होगा और डी के लिए लेंगे तो अलग रूल होगा, ठीक है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन ये एन माइनस टू में चला गया, तो इसके लिए इसको 1 ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको हटा दें, डी के लिए पूछता है तो डी के में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है उसे हटा दें तो टोटल कितने बचे 9, तो 9 × 0.35 प्लस बाकी जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन इधर के हैं ना सबको 1 कर दो, सबको 1 कर दो, तो कितने बच रहे हैं 2, 8 2 10 और 8 18। तो 18 × 1, तो इसका जेड इफेक्टिव आ जाएगा, ये किसके लिए मैं करा रहा हूँ, डी इलेक्ट्रॉन के लिए करा रहा हूँ, लास्ट डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, और फिर जेड इफेक्टिव आ जाएगा 29 माइनस ये सिग्मा की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे होपफुली। ये कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से यही आएगा 26.8, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 2.2। अब देखो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं कि अगर हम 2p के इलेक्ट्रॉन को निकालें रेदर देन 2s के, तो 2p का इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होता है रेदर देन 2s के, तो ऐसा क्यों। तो वही बात है कि भाई 2s इनर ऑर्बिट में है, 2p बाहर है, तो 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि उस पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और 2p क्या होता है बाहरी और बाहर पड़ता है, तो इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होता है। तो सिंपल वे में हम इसको एक आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। तो इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके 1s2, 2s2, 2p3, ये होता है 7, और ऑक्सीजन का होता है 8, ये होता है 1s2, 2s2, 2p4। इस केस में देखें तो ये भाई दो डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन, दो डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार इलेक्ट्रॉन में देखो ये वाले तो जो कॉन्फिग्रेशन है, अच्छा दूसरा देखो ये 1s इलेक्ट्रॉन, ये 2s का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2p का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये हाफ फिल्ड नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टॉपिक आयोनाइजेशन इनथैल्पी में भी आ सकता है, ये आयोनाइजेशन से भी ज्यादा। दूसरा अगर हम बात करें तो जो जेड इफेक्टिव है, इधर से इधर अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाए तो जो जेड इफेक्टिव है ये डिक्रीज करता है। तो ये दूसरा भी रीजन है कि इधर से इधर अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से एक तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और दूसरा जैसे ही साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जो होल्डिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से देखो क्या होना चाहिए कि भाई होल्डिंग कैपेसिटी इधर हम जा रहे हैं, नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन है 8, तो इधर से इधर जाने पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता। तो अगर इसको एक्सप्लेन आप करोगे इस बेसिस पे तो यहाँ थोड़ा सा आप उलझ जाओगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो जो एटम है उसका जो एक्चुअल रेडियाई होती है वो थोड़ा सा मेजर करना टफ होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको तीन टर्म में रेडियाई करते हैं, बॉन्डिंग के फेज को देखते हुए। बॉन्डिंग के फेज के बेसिस पे कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई प्लस वांडरवाल रेडियाई होती है। तो अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लें, जैसे ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल में दो एटम ओवरलैप करते हैं, ये सीएल बॉन्डेड सीएल, तो इनके बीच को जो न्यूक्लियस होती है इसको इस डिस्टेंस को ले लें, और इस डिस्टेंस को लेके ये जो डी डिस्टेंस है इसको लेके दो से डिवाइड कर दो तो एक क्लोरीन की रेडियस आ जाएगी, तो दिस विल बी द रेडियस। और जैसे ही रेडियस आ गया तो हम इसकी साइज निकाल सकते हैं, तो रेडियस ही तो साइज बताएगा कि स्फीयर का, और जो सारे एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो ये स्फीयर का रेडियस एक ही पैरामीटर होता है इसमें, केवल रेडियस का, इसमें लेंथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो रेडियस अगर आ गई तो आपका स्फीयर का सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, एक जनरल ट्रेंड की बात करते हैं तो अगर हम पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो अभी देखा कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और साइज डिक्रीज होगी। यहाँ से देखो ग्राफ से दिख रहा है कि लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होगी, इनिशियली साइज बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, बाद में बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करती है, तो दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम पीरियड के अलॉन्ग अगर हम ग्रुप में जाएं तो ग्रुप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि भाई इधर से टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमें मिलता क्या है कि यहाँ पे हर एक फैक्टर में एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इंक्रीज करेगा हमें पता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, तो आर बढ़ेगा कैसे, दुगनी स्पीड से बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो आर जो प्रोपोर्शनल टू, यहाँ 4 है आर प्रोपोर्शनल टू 1, तो देखो इनिशियली बहुत तेजी से ये बढ़ता है।
और फिर थोड़ा स्लोली बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। तो यहाँ पे कोई भी एनोमली नहीं है, सीधे सीधे जाएंगे कि क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगा, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। एक चीज और कह सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है या डिक्रीज करता है, तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज इसमें नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। अब देखो आयनिक रेडियाई, जैसे हम किसी आयन की बात करें तो हमारे पास कौन से आयन होते हैं, एक होता है प्लस वाला, इसे कहते हैं कैटायन, दूसरे को क्या कहते हैं एन आयन, ये प्लस वाले को कैटायन कहते हैं, माइनस वाले को एन आयन कहते हैं। अब ये है आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियाई देखो, अगर हम किसी को किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सपोज करो कि ये एटम है और उस पर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरा केस क्या होता है कि एक आपने इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे कैटायन क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, एडायन क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो जब एनायन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अब उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो तो परमानेंट आई, इलेक्ट्रॉन और कम कर दोगे तो जो कम वाले हैं उस पर अब ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इसकी जो साइज होगी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगा, तो कैटायन की साइज कम होती है, एनायन की साइज ज्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो लिख लो यहाँ पे न्यूट्रल, न्यूट्रल से बड़ा होता है एनायन, एक ही एलिमेंट की अगर बात करें तो, और यहाँ होता है कैटायन की साइज, ठीक है, तो दिस इज दी साइज। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सिंपली द आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, सॉरी एटम इन आइसोलेटेड गैसीय स्टेट, या फिर ऐसे कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसीय एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आई एच नॉट से। अब जैसे ही अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होती है, साइज कम होने लगते हैं, साइज डिक्रीज करेगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड है, जब टाइटली होल्ड होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लिखेंगे कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो डेल्टा आई एच नॉट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ जाएगी, और जब साइज बढ़ जाएगी तो कुछ इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ एक न्यूक्लियस इतना है या एक एटम इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है, तीसरा इतना बड़ा है, चौथा इससे भी बड़ा है, इतना बड़ा, तो इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी जब दूर होगा तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r फ्रॉम कूलाम्स लॉ, हम ये कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू 1/4 πε0 q1 q2/r2, तो r² में देखो बहुत तेजी से बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा,
जब फोर्स कम होगा तो इसको निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है, ग्राफ में भी यही चीज़ दिखाई गई है। तो ये टोटल ओवरऑल इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे नियान के, आर्गन के, क्रिप्टन के या फिर यहाँ नाइट्रोजन के स्टेबल होंगे, वो थोड़े से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऊपर होंगे, अदरवाइज सेम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो सारे के सारे जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे डेल्टा IH1 से ज़्यादा होगा, डेल्टा IH2 उससे ज़्यादा होगा, डेल्टा IH3, तो डायस्टेस्टेस, ये सक्सेसिव एनर्जीज की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसमें हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑलवेज जो है क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसी के सिनोनिमस हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ये देखेंगे भी आगे हम चल के। ठीक है, कभी कभी आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन का पूछ देता है, तो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज में क्या अंतर है ये बात करते हैं। देखो एक्स हमारे पास था, एक्स में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, गैसियस स्टेट में लेना है ये ध्यान रखेंगे हमेशा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन अगर इसी एक्स से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2+ कर दें और दो इलेक्ट्रॉन दिखाएं, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। दो निकालने का मतलब यहाँ से फिर से निकालेंगे, X2++ हो जाएगा, +1 से निकालेंगे। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन, तो या ऐसे निकालोगे तो इसे सेकेंड आयोनाइजेशन, इसे कहेंगे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे कहेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी वेरिएशन दिया हुआ है, तो आप इसे थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं। सब कुछ जो इसमें गवर्न होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन के बेसिस पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन में अगर हमें कोई स्टेबल मिलता है, जैसे अभी हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले केस में डिस्कस किया था, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्योंकि P3 कॉन्फिगुरेशन है, और यहाँ पे क्या होता है P4 था, तो P4 लेस होगा और नाइट्रोजन का ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फिगुरेशन, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमेशा जब भी करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी करना है आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन खींच के ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो दिस इज द सेकंड लास्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये उसका उल्टा है भाई। आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम जबरदस्ती, तो जबरदस्ती देने के दो केसेस होते हैं। अगर जबरदस्ती दोने भाई, अगर किसी को हम पैसे जबरदस्ती दे रहे हैं या कुछ भी जबरदस्ती दे रहे हैं, तो वो गरीब अगर होगा तो वो बहुत अच्छे से ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर अमीर है, अमीर के पास गए और हम उसको भिखारी की तरह 10 रुपये दे रहे हैं तो नहीं लेगा। गरीब को तो 10 रुपये भी देगो तो आप ले लेगा, प्लस करोगे ले लेगा, और यहाँ इसको कोई मतलब नहीं, भगा देगा बल्कि ऊपर से। तो आप ये समझो कि यहाँ पे जब ले ले रहा है तो इसका मतलब डेल्टा एच जो होगा, ये डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव होगी, ये निगेटिव आएगी। और यहाँ पे जहाँ पे जबरदस्ती देना है नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जो भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, ये ध्यान रखेंगे, और बाकी एलिमेंट्स की निगेटिव आती है। जैसे अगर हम बात करें हैलोजन्स की, तो हैलोजन्स का जो कॉन्फिग्रेशन होता है, जैसे फ्लोरीन 9 का 1s2, 2s2, 2p5, तो वैलेंसी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+5 मतलब 7, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने से एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो इसलिए हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो निगेटिव में बहुत ही हाई होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और
जो नोबल गैसेस हैं उनकी पॉजिटिव होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफाइन कैसे करेंगे? अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस एनर्जी मे बी रिक्वायर्ड और रिलीज बोथ। सो टेक केयर ऑफ दिस। अब बात करते हैं इसके ट्रेंड की। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इधर से इधर जाने पे देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वाला तो नोबल गैसेस तो तू लेना नहीं चाहता। तो इसको हम छोड़ के अगर बात करें तो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। किसमें? निगेटिव के टर्म में, निगेटिव में इंक्रीज करती है। लेकिन डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप की बात इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी की वैल्यू तो ये डिक्रीज करती है। निगेटिव में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखा है कि वी शुड एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस निगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड नीडेड इलेक्ट्रॉन टू बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये मैंने यही चीज़ बोला कि निगेटिव में डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो गया। अब आपका लास्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसे समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब देखो, अगर हम जब तक दो लोगों को पास में रख के कंपेयर नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन धनवान है कौन अमीर है। भाई हर कोई अपने सिचुएशन में अमीर होता है, हर कोई। क्यों? अगर हम किसी की दी हुई चीज़ को नहीं ले रहे हैं, अपने जितनी चीज़ें हैं उसमें संतुष्ट हैं, तो हम अमीर हैं, अपने आप में अमीर हैं। हमसे आपके पास ज़्यादा पैसा है इसका कोई मतलब नहीं। तो ये उसी तरीके की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम 2 क्लोरीन की बात करें और दूसरे क्लोरीन की, तो अब ये दोनों क्लोरीन है तो इनके जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा इनके बीचों बीच होगा। ये इस पर भी इसका आधा हक होगा और इसका भी इस पर आधा हक। ये भी कहेगा हमारा इस पर आधा हक है, ये भी कहेगा हमारा आधा हक। लेकिन जैसे ही 1 क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें, टेक्निकली होना क्या चाहिए? यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग होना ये चाहिए कि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, भाई शेयर कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तुम कर रहे हो, एक हम कर रहे हैं, तो बीच में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है तो क्लोरीन क्या करता है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अगर हम ये सब मिड पॉइंट माने तो अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, तो इस पे आता है डेल निगेटिव चार्ज और इस पे आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज। तो इससे ये बन जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू असाइन की गई है वो 3 स्केल के बेसिस पे की गई है। हम जो फॉलो करते हैं वो लाइनस पाउलिंग स्केल को फॉलो करते हैं। तो उसके बेसिस पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी वैल्यू को हम देख लेते हैं। साथ में इधर क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसकी वैल्यू को जो 4 दिया गया है और बाकी सबको 0.5 के डिफरेंस पे आप लिख लो। 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, और इधर आपको रखना है 3.2 और इसको लिखना है 3.0। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ट्रेंड की बात करें तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो वैल्यू क्या हो रही है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और यहाँ डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें, इधर टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को समराइज करने की बात करें तो इस पूरे एक फिगर्स में हमने एटॉमिक रेडियस,
इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, सबको समराइज किया है। जो हमने पीछे बात की है मोस्टली वही चीजें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो नया है। अगर आपको जरूरत है तो आप इस एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप बहुत सब सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे। कम से कम आपको इतना तो याद रहेगा कि कौन कहाँ है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि इधर वाले को हम कहते हैं ग्रुप, तो कभी क्वेश्चन में ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड भी पूछ देगा। तो ये हो गया आपका पीरियड और ये हो गया आपका ग्रुप। तो जो हम टॉप टू बॉटम जहाँ जहाँ बोल रहे थे, ये है टॉप और ये है बॉटम और ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम के रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द पीरियड में डिवाइड करके भी। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। होप आपका एग्जाम अच्छा हो। रही बात की, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो सी एफ टी इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अगर एक साल पिछले साल टेट्राहेड्रल आता है तो अगले साल ऑक्टाहेड्रल आता है, तो इस तरीके का एक पैटर्न करके ये आता ही आता है। डेल ओ नॉट और डेल टी में जो रिलेशन है वो आता ही आता है। इसके बाद ज्योमेट्री से एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, लेसर माइनर में मतलब कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपको सिक्स तक ज्योमेट्री याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी और आयोनाइजेशन इनथैल्पी, डेल्टा आई ना। इसके साथ साथ आपको स्लेटर रूल पे एक क्वेश्चन बनता है। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन यूनिट वन से। होप यू आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।